guys, this is Alisha. Welcome back to my channel. Recently posted a spicy Q&A and I dealt with a lot of your relationship related questions. And jab maine wo video upload kiya, I got a lot of, you know, requests to know more about relationships and like how actually you all loved my thought process towards relationship. And a lot of you also wanted me to talk about breakups and how to deal with that. But on a very serious note, I've never been into that situation, so I am not the right person to talk about that gyan or to share that gyan. So here in this video, I'm going to talk about some relationship things that I have learned over the years. And with relationships, I'm not only talking about love relationship. It could be with anyone, your friend, your family, your brother, sister relationship, anything. If it's a relationship, it has to be in a certain way. We are going to talk about that. So without further ado, let's get started. First and the foremost thing that I've learned about relationships is that do not future plan in a relationship. I know India mein aisa hai ki agar aap kisi ke saath relationship mein aate ho, in a love relationship ya agar aap friendship bhi karte ho, to aisa ho jata hai ki haan future decide karne lagte. It's easy said than done. I do it myself sometimes. But then ye bilkul bhi galat baat hai kyunki aapne future nahi dekha hai, wo insaan kaisa aage ho jaye. You just don't know, and aapko present mein jeena chahiye, and you just don't know what God has planned for you, and let that prevail only. तो एक ये चीज़ है जो मैं हमेशा सोचती हूँ. एंड हमारे हमारे कल्चर में ऐसा है ना, दैट इफ टू हैव इन अ रिलेशनशिप यू हैव टू प्लान फ्यूचर. लोग पूछते हैं तुम्हें साथ में फ्यूचर प्लान करो, ओनली इफ यू आर प्लानिंग फ्यूचर देन ओनली यू आर सीरियस विद दैट पर्सन, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, आप उस समय को जी सकते हो. फ्यूचर क्या होगा नहीं पता. अगर सब कुछ परफेक्ट होगा तो एग्जैक्टली वैसे ही होगा. एंड कॉन्ट्ररी टू दैट, हम लोग को भी ये भी पता है कि इफ़ वी प्लान थिंग्स 100% टाइम्स, इनफैक्ट 99% टाइम्स ऐसा होता है कि वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होता. सो इट्स जस्ट नॉट, यू नो, वर्दी टू प्लान एनीथिंग जस्ट इफ यू आर इनटू द रिलेशनशिप. तो प्लीज़ टेक योर टाइम, लाइक एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय दैट रिलेशनशिप, द मोमेंट्स दैट यू मेक, एंड दैट्स अ रियल इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग, डू नॉट ट्राई टू चेंज अ पर्सन टू फिट इन टू योर लाइफ, टू मेक हिम फिट इन टू योर लाइफ. ऐसा होता है कि हम लोग रिलेशनशिप्स में आने के बाद एक दूसरे को समझते हैं, फिर कुछ कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, फिर वी ट्राई टू चेंज दैट पर्सन. चेंजिंग और इवॉल्विंग तो बहुत अलग चीज़ है, एंड इवॉल्व करना इन अ बेटर वे इज़ वेरी नाइस. लेकिन चेंजिंग समवन टू हिज बोन और हर बोन इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. इट शुड नॉट बी इन दैट वे. एंड अगर कोई इंसान का इंडिविजुअलिटी किसी तरीके का, यू शुड नॉट ट्राई टू चेंज दैट. एंड अगर आप किसी रिलेशनशिप्स में होते हो, वो बाद में ख़त्म भी हो जाता है, देन ऑल्सो इट शुड नॉट टेक अ पार्ट ऑफ यू कि आपको वो चेंज करके चला गया. एंड आप जो हो वो तो रहता ही है, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़. एंड रिलेशनशिप्स में आप एक लिमिट तक ही चेंज हो सकते हो, एक लिमिट तक ही चेंज कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट इट्स अ बिग नो, और वहीं पे फुल स्टॉप हो जाना चाहिए. नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड इज दैट डू नॉट लिमिट एनीवन इन अ रिलेशनशिप. एज आई सेड, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लव रिलेशनशिप्स. कैसा भी रिलेशन, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ भी अगर आप एक दूसरे को लिमिट करते हो, जज करते हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट फाइन. एंड लिमिट इन द सेंस कि ठीक है, यू शुड डू थिंग्स इन दिस वे. तुम मेरी फ्रेंड हो तो तुम मेरी ही फ्रेंड हो, तुम उसकी फ्रेंड नहीं हो सकती. दीज आर द लिटिल रेड फ्लैग्स आर वी इग्नोर इन फ्रेंडशिप ऑल्सो. तो ये सब होता है लिमिट करना. इन अ रिलेशनशिप देयर शुड बी अ सेंस ऑफ लिबरेशन कि तुम आज़ाद हो, तुम उड़ो, तुम पंक्षी हो, एंड तुम मेरी फ्रेंड हो. तो ऐसे होना चाहिए. एंड आई रियली एम अ पर्सन जो ऐसे ही चाहते हैं रिलेशनशिप को. एंड वी एज अ ह्यूमन बींग, वी वॉन्ट टू बी फ्री. We just would don't want to be limited to something, and ऐसा ही हमारा mindset होता है. और कोई भी जो हम लोग को limit करने लगता है हमारे life में, we just want to go away from that person. तो ये mindset है हमारा, and we again do contrary things with this. तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए. एंड द नेक्स्ट थिंग इज एडजस्ट अप टू अ लिमिट. मैंने ऐसा बहुत सारे रिलेशनशिप कोर्ट्स में भी पढ़ा है, दैट अ परफेक्ट रिलेशनशिप इज द वन जहाँ आप एडजस्ट करके चलते हो एंड ऑल दैट, विच इज़ समवेयर ट्रू कि अगर आप रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर क्लैश होता है, देयर इज क्लैश ऑफ ओपिनियन, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हाँ, क्योंकि दो लोगों का माइंड सेट कम्प्लीटली सेम नहीं हो सकता है, थॉट प्रोसेस अलग होगा ही थोड़ा ना थोड़ा. तो एडजस्ट करो बिल्कुल, बट इट शुड बी अप टू अ लिमिट. हर रिलेशनशिप का ना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, एंड आई थिंक वी शुड एडजस्ट अप टू दैट. एंड उसके बाद इट्स एक्सट्रीमली एक्सक्रूशिएटिंग, मेंटली भी, इमोशनली भी. हम लोग टूट जाते हैं, खुद को तोड़ देते हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़. तो ऐसे में ऑलवेज ट्राई टू फिक्स थिंग्स कि आप कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हो, एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ एडजस्टिंग विद दैट पर्सन, एडजस्टिंग विद योर सेल्फ कि आप खुद के बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हो उस पॉइंट पर. एंड लास्टली, डू नॉट इग्नोर रेड फ्लैग्स. आई नो कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, सब कुछ इतना हंकी डोरी होता है, दैट वी इग्नोर लिटिल लिटिल थिंग्स जो हमारा गट भी उस पॉइंट पे अलाउ नहीं करता है. बट देन ऑल्सो वी डू थिंग्स लाइक इन दैट वे, एंड हम लोग को लगता है कि ठीक है, सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा. बट लेट इन द रिलेशनशिप्स, जब वो रेड फ्लैग्स बड़े होने लगते हैं, एंड प्लीज विद रेड फ्लैग्स आई एम नॉट ओनली रेफरिंग टू बॉयज. पता नहीं ऐसे सोशल मीडिया पर बना है रेड फ्लैग्स आर सपोज टू बी फॉर द बॉयज ओनली, रेड फ्लैग्स लड़कियाँ भी होती हैं.
तो ये मैं क्लियर कर दूं। तो किसी भी रिलेशनशिप में आप भी टॉक्सिक हो सकते हो, आपका पार्टनर भी टॉक्सिक हो सकता है, यू नेवर नो। तो इन चीज़ों को आप स्टार्टिंग से ही रिकग्नाइज करो, क्योंकि आप शुरू से ही अगर किसी चीज़ों में हाँ में हाँ मिलाओगे ना, तो वो सब कुछ ऑन द पाथ चलेगा ही, परफेक्ट चलेगा ही। ओनली वेन यू रिटेलिएट ऑन द थिंग्स की जो आपको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तब समझ में आएगा कि रिलेशनशिप में रियल बॉन्डिंग क्या है। एंड ऑल्सो कोई भी रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, पीपल स्टार्ट टू डिसरिस्पेक्ट ईच अदर, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। क्योंकि आप हो सकता है कि आपका इतना अगली फाइट हुआ हो या इतना खराब सिचुएशन पे ब्रेकअप हुआ हो दैट यू नॉट यू नो रेडी टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, बट यू शुड रिस्पेक्ट द इमोशन दैट यू हैड फॉर दैट पर्सन इन दैट स्पैन ऑफ टाइम। इफ आई एम विद अ पर्सन इवन फॉर 10 days, आई कैन नेवर टॉक बैड अबाउट दैट पर्सन एवर इन माई लाइफ। दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ अ रिलेशनशिप शुड बी। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द वीडियो। एंड जो भी मैंने ज्ञान इस वीडियो में शेयर किया ना, माइट नॉट बी रिलेटेबल टू ऑल ऑफ यू, बट आई थिंक अ फ्यू ऑफ यू मस्ट रिलेट टू इट, क्योंकि ये सारा कुछ मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ पढ़ के समझा है एंड विद माई ओन एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं कोई भी रिलेशनशिप में जाती हूँ, आई ट्राई टू गिव माई 100% टू इट, एंड द 100% शुड बी इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, गिव द थम्स अप एंड प्लीज कमेंट डाउन योर वीडियो आइडियाज, सजेशंस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @_alisha_18_, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टूडल्स।